हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक. संभल जमा मस्जिद कंट्रोवर्सी एक्सप्लेन्ड. मस्जिद या हरिहर मंदिर? हरिहर मंदिर. तो चलो यार, वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें. और दूसरे दो चैनल्स लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके रिक्वेस्टेड वीडियोज वहाँ भी आ रहे हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. दोस्तों, मशहूर वकील विष्णु शंकर जैन ऐसे कई मंदिरों को पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं जो एक टाइम मंदिर थे, मगर बाद में उसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया. कुछ टाइम पहले हमने उनके साथ एक पॉडकास्ट भी किया था, तब भी उन्होंने साफ कहा था कि हम ऐसे एक एक मंदिर को वापस पाने की लड़ाई लड़ेंगे जिस पर कब्जा हो रखा है. और जैसा विष्णु शंकर जैन जी ने कहा था वैसा किया भी. 19 नवंबर को विष्णु शंकर जैन जी ने अपने पिता हरिशंकर जैन समेत 6 और लोगों के साथ संभल की कोर्ट में याचिका लगाई. इन लोगों ने कोर्ट में दावा किया कि ये जगह पहले श्री हरिहर मंदिर हुआ करती थी, जिसे बाबर ने 1529 में तोड़वाकर मस्जिद बनवा दिया. उन्होंने कोर्ट से अपील करी कि उनके पास काफी सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि संभल में मौजूद जामा मस्जिद एक वक्त पर हरिहर मंदिर हुआ करती थी. उसी दिन दोपहर 1 बजे कोर्ट में सुनवाई हुई. शाम 4 बजे कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे करने का ऑर्डर दे दिया और शाम 8 बजे तक सर्वे हो भी गया. यहां तक सब कुछ ठीक था. अब 24 नवंबर को सर्वे टीम को बाकी के सर्वे के लिए दोबारा मस्जिद जाना था. 24 नवंबर को जब सर्वे टीम विष्णु शंकर जैन और बाकी के उनके साथी जब मस्जिद में थे, तभी बाहर हंगामा होने लगा. इस हंगामे की खबर जब डीएम को लगी तो उन्होंने सर्वे टीम को फौरन वहां से निकल जाने के लिए कहा, मगर इस दौरान किसी ने अफवाह फैला दी कि मंदिर के अंदर तो खुदाई की जा रही. जैसे ही अफवाह फैली, पहले से बुलाई गई भीड़ ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए. पुलिस के लाख मना करने के बाद भी पत्थरबाजी नहीं रुकी. भीड़ में मौजूद लोगों के पास डंडे, पत्थर, हॉकी स्टिक और यहां तक कि तमंचे भी मौजूद थे. भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को भी आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और हंगामा इतना बढ़ गया कि 5 लोगों की जान चली गई. मुस्लिम साइड का कहना है कि इन लड़कों की जान पुलिस की गोली से गई, और पुलिस कहती है कि इन लड़कों की जान भीड़ से ही चली गोलियों से हुई है. असल में हुआ क्या था, इसकी जांच जारी है. साथ ही यह भी पता करने की कोशिश हो रही है कि अचानक इतने लोग वहां आ कैसे गए, क्योंकि जिन 5 लड़कों की जान गई उनमें से भी 3 लड़के उस एरिया के नहीं थे. जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें से भी आधे से ज्यादा बाहर के थे. इतना साफ है कि 24 नवंबर को हंगामा करने के मकसद से किसी ने पहले से ही बाहर से कुछ लोग बुला रखे थे. पुलिस ने इस मामले में लोकल एमपी और लोकल एमएलए के बेटे के खिलाफ FIR भी की है. पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने सर्वे से एक दिन पहले मस्जिद में जाकर लोगों को भड़काया था. व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर लोगों को इकट्ठा किया. अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये भी वक्त आने पर पता लगी जाएगा. यहाँ बैठकर हम ये पता लगा भी नहीं सकते, मगर जब ये पूरा विवाद उठा तो हमारी दिलचस्पी ये जानने में हुई कि आखिर हिंदू पक्ष किस बेस पर ये कह रहा है कि संभल की जामा मस्जिद पहले हरिहर मंदिर थी. क्योंकि अगर उनके पास कोई मजबूत एविडेंस नहीं था तो कोर्ट ने उनकी याचिका कबूल नहीं की होती. इसीलिए हम सबके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिंदू पक्ष आखिर क्यों क्लेम कर रहा है कि संभल की जामा मस्जिद पहले हरिहर मंदिर थी और अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की तरह बाबर ने यहां भी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई. अपनी इस बात को प्रूफ करने के लिए हिंदू पक्ष के पास बहुत सारे सबूत है. मतलब जैसे ज्ञानवापी मामले में मस्जिद के मंदिर होने के इतने एविडेंस है कि कोई अंधा भी ये बता देगा कि इसे मंदिर तोड़कर ही बनवाया गया. कमोवेश वैसी ही बात संभल के केस में भी लगती है. हिंदू साइड कहती है कि भाई पहले तो ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद बाबर की बायोग्राफी बाबरनामा में लिखी है. बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा था, बाद में इसका ट्रांसलेशन एनेट सुसन्ना बेवरेज ने किया था. बाबरनामा के पेज नंबर 687 पर जिक्र है कि बाबर 10 जुलाई 1529 में संभल आया था. तब उसने अपने एक सेवक जिसका नाम हिंदू बेग कुचिन था, उसको ये आदेश दिया था कि इस मंदिर को मस्जिद में बदल दो. हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद में आज भी एक शिलालेख मौजूद है जिससे यह साबित होता है कि यह पहले मंदिर था. हिंदू पक्ष दूसरा सबूत अबुल फजल की किताब आईने अकबरी से देता है. आईने अकबरी में एक जगह लिखा है कि संभल शहर में हरिमंडल यानी विष्णु का एक मंदिर है जो एक ब्राह्मण का है, जिसके वंशजों में से 10वां अवतार इसी जगह पर प्रकट होगा. ये एक प्राचीन जगह है जो शेख फरीदे शकरगंज के उत्तराधिकारी जमाल का विश्राम स्थल है. इसके अलावा हिंदू पक्ष के पास 150 साल पुरानी ASI की एक रिपोर्ट भी है जो ये प्रूफ करती है कि मस्जिद की जगह एक वक्त हरिहर मंदिर हुआ करता था. उस वक्त ASI के डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंगम के सुपरविजन में एक रिपोर्ट बनाई गई थी. ये रिपोर्ट बाद में एक बुक के फॉर्म में सामने भी आई. किताब में साफ लिखा है कि पुराना शहर संभल रोहिलखंड के बिल्कुल बीचों बीच महिष्मती नदी पर बसा है. सतयुग में इसका नाम सबरित या सबरत और संभलेश्वर था. त्रेता युग में इसे महादगिरी और द्वापर युग में पिंगला कहा गया है. बाद में इसका नाम संभल या संस्कृत में संभल ग्राम पड़ा. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और हिस्टोरियन डॉक्टर विघ्नेश त्यागी ने एंशियंट हिस्ट्री पर एक युग युगीन नाम से बुक लिखी है. इसमें संभल के श्री हरिहर मंदिर के बारे में भी डिटेल में लिखा है. बुक में उन्होंने बताया है कि जब पृथ्वीराज चौहान यहां के राजा हुआ करते थे तो उस दौरान 1178 से 1193 तक वहां पर हरिहर मंदिर था. इसी दौरान पृथ्वीराज ने संभल को दूसरी राजधानी का दर्जा भी दिया था और उसी समय संभल में यह मंदिर बना था.
आपको बता दें हिस्टोरियन थॉमस कार्ले ने 1874 में इस मस्जिद का दौरा किया था। उन्होंने भी इस बारे में कहा था कि मस्जिद का गुंबद स्टोन से बना है और ऐसा लगता है कि इसे हिंदू नक्काशीकारों ने बनाया है। इसी तरह ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जनरल अलेक्जेंडर कनिंगम ने भी संबल की मस्जिद के बारे में लिखा है कि संबल की जामा मस्जिद इब्राहिम लोधी के टाइम 1517 यानी 1517 से 1526 के टाइम बनवाई गई थी। उन्होंने भी लिखा है कि मस्जिद के बनाने में हिंदू या जैन मंदिरों के पिलर्स का इस्तेमाल किया गया था। एक मस्जिद में जैन और हिंदू धर्म के पिलर्स का इस्तेमाल, गजब हो गया नहीं? वही तो। बावजूद इसके मुस्लिम पक्ष ऐसे काफिर काफिर बोलते हैं आई नहीं और जानबूझकर इस तरह की बातें की जा रही है। लेकिन आप अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी चेक करें तो आपको पता चल जाएगा कि इस जगह के मस्जिद या मंदिर होने का विवाद 100 साल से भी पुराना है। एक बड़े मीडिया ग्रुप ने इस बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनके पास 1908 से 1911 का गैजेट है, मतलब उस वक्त के पेपर्स हैं, जिसमें साफ लिखा है कि संबल में भगवान विष्णु का मंदिर है और उसमें यह भी लिखा है कि मंदिर की जगह आज की मस्जिद के पास। अब तक हमने आपको वो बातें बताई हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं, जो आज से 400-500 साल पहले की दर्ज है, जिसे 200-250 साल पहले लिखा भी गया है। लेकिन अगर आप हिंदू पक्ष की बात सुने तो उनके पास तो बहुत सारे आर्गुमेंट हैं और धार्मिक मान्यताएं भी हैं। हिंदू मानते हैं कि संबल एक ऐतिहासिक शहर है, हिंदू शास्त्रों में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। वो मानते हैं कि भगवान विष्णु के एक अवतार कल्कि भविष्य में यहाँ प्रकट होंगे। माना जाता है कि कल्कि भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार हैं, जिनका आगमन कलयुग में होना तय है। माना जाता है कि उनके अवतरण के साथ ही कलयुग का अंत होगा और अगले युग की शुरुआत भी होगी, जिसे सतयुग के नाम से जाना जाएगा। हिंदू पक्ष के पास इस हरिहर मंदिर की भी ऐसी डिटेल है कि उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उनका मानना है कि संबल का श्री हरिहर मंदिर, जिसे अब कुछ लोग जामा मस्जिद के नाम से जानते हैं, उसमें ऊपर की तरफ एक 20 फीट चौड़ा गुंबद वाला कमरा है। इस इमारत के दो हिस्से हैं, उत्तर की तरफ का हिस्सा 500 फीट 6 इंच लंबा है, जबकि दक्षिण की तरफ का हिस्सा सिर्फ 38 फीट 1.5 इंच लंबा है। इस इमारत का गुंबद बहुत खास है क्योंकि ये ऊपर से नीचे तक पूरी तरह खोखला है। हिंदू पक्ष का यह भी कहना है कि मस्जिद के अंदर ऐसे पत्थर दिख रहे हैं जिस पर हिंदू धर्म के निशान थे, मगर उसे हटा दिया गया या छिपाया गया। मैं जानता हूं ये सारे आंकड़े सुनना बहुत सारे लोगों के लिए बोरिंग हो सकता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जब हम किसी हिस्टोरिकल कंट्रोवर्सी पर बात कर रहे हैं तो जरूरी है कि हम विद फैक्ट्स बात करें, हमारी बातें सिर्फ जुमलेबाजी ना लगे। और फैक्ट्स क्या है ये पिछले कुछ मिनटों में मैंने आपको बता भी दिया है। अब सवाल ये है कि फिर इस तरह के मामलों में होना क्या चाहिए? कायदे से होना तो ये चाहिए कि अगर एक पक्ष को लगता है कि फले जगह हमारी है, हमारे धर्म से जुड़ी है और ये साबित करने के लिए उनके पास प्रॉपर एविडेंस है, तो वो कोर्ट में जाए, जैसा कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के विवाद के टाइम हुआ। लेकिन यहीं पर 90 के दशक में कांग्रेस की सरकार की तरफ से लाया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बीच में आ जाता है, जो कहता है कि 1948 के बाद जो भी धार्मिक रूप में है उसके साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे कानून के जानकार ये कहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 के सब सेक्शन 3 में ये एक साफ लिखा है कि जो भी प्राचीन और ऐतिहासिक जगह है उन पर ये कानून लागू नहीं होता है। इस हिसाब से जगह पे कानून लागू नहीं होता है तो वो एंशियंट साइट्स में माना जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अदालत एंशियंट साइट्स की इस परिभाषा से सहमत हो जाती है तो काशी और मथुरा के मंदिरों पर ये कानून लागू हो ही नहीं पाएगा। और जहां तक हरिहर मंदिर की बात है तो ये पूरी कॉन्ट्रोवर्सी तो कई 100 साल पुरानी है। इसकी कानूनी लड़ाई के 100 साल पुराने सबूत तो आज भी हमारे पास है, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि अचानक से ये मामला उठाया गया है। इसलिए अचानक से मामला नहीं उठाया गया। अब की सिचुएशन तो ये है दोस्तों कि अभी भी संबल में सिचुएशन पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी है। जनरली इस मामले में निचली अदालत कोई सुनवाई नहीं करेगी। मुस्लिम साइड के पास पूरा राइट है, पूरा हक है कि वो सर्वे की इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चैलेंज करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहना है कि हम इस लड़ाई को तब तक जारी रखेंगे जब तक हम दोबारा हरिहर मंदिर को वापस नहीं पा लेंगे। आपको बता दें मंदिरों की इसी लड़ाई पर कुछ वक्त पहले हमने विष्णु शंकर जैन जी के साथ एक लंबा पॉडकास्ट किया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहें तो उसे से देख सकते हैं, सुन सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझसे पूछें कि ऐसे मामलों पर मेरा क्या मानना है, तो मेरा सोचना एकदम साफ है दोस्तों कि हमें किसी भी ज्यादती या इनजस्टिस को सिर्फ इसलिए नहीं बुला देना चाहिए कि उसे बहुत टाइम हो गया है। मैं पूछता हूं भगवान न करे कोई आपके छोटे बच्चे को उठाकर ले जाए, फिर 20-30 साल बाद आपको अचानक से अपने बच्चे का पता लग जाए, तो क्या आप अपने बच्चे को यह सोचकर नहीं लेने जाएंगे कि यार अब तो बहुत साल बीत गए, काफी दिन हो गया? नहीं ना। जिस तरह आप अपना बच्चा नहीं छोड़ सकते, उसी तरह एक भक्त अपने भगवान को कैसे छोड़ सकता है? हिंदू धर्म में तो देवताओं को वैसे भी बालक की तरह माना गया है, जस्टिस इज जस्टिस, कैसे छोड़ दें उन्हें? उनका घर क्या सिर्फ इसलिए ना दिलाएं क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है? ऐसा थोड़ी हम कर सकते हैं। दरिंदों को जीतने दें। स्पेन की बात करते हैं, स्पेन ने जब इस्लामिक रूल से आजादी पाई तो उन्हें अपनी एक एक चीज को उन्होंने फिर से रिक्लेम किया जो उनसे छीन ली गई थी।
मैं आपको इस्लामिक देश तुर्की का एग्जांपल देता हूँ। साल 2020 में तुर्की के राष्ट्रपति ने हागिया सोफिया नाम के एक म्यूजियम को मस्जिद में बदल दिया था। म्यूजियम की इमारत 1700 साल पुरानी थी, जो कई सौ सालों तक कभी चर्च रही और कभी मस्जिद, और अभी 10-1 सालों से वो म्यूजियम थी। लेकिन 2020 में तुर्की के राष्ट्रपति ने इस्लामिक हिस्ट्री का हवाला देते हुए इस म्यूजियम को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। इसी के एक महीने बाद 22 अगस्त 2020 को उन्होंने एक और बीजेंटाइन चर्च को भी मस्जिद में बदल दिया था। अब इसे आप क्या कहेंगे, जब तुर्की के राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं और उसे ठीक भी माना जा सकता है, तो भारत में हिंदू अगर अपने धार्मिक स्थलों को लेकर ऐसा करने की सोचे तो वो गलत कैसे हो गया। मैं फिर से इस बात को अंडरलाइन कर दूं दोस्तों कि बेशक ऐसे हर मंदिर को वापस पाने की कोशिश होनी चाहिए जिस पर बाद में कब्जा हो गया, लेकिन मंदिरों को वापस पाने की कोशिश झगड़े या नफरत की वजह नहीं बननी चाहिए। बैठ कर बात करें, अदालत बेचारा हिंदू बैठ कर ही बात करता रह जाए, सारी लड़ाई कभी वो इलीगल काम करें, किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। मैं यूं भी उम्मीद करता हूं कि बजाय इस पर नाराज होने के या इसमें साजिश ढूंढने के, मुस्लिम पक्ष को भी पूरी हमदर्दी से ऐसे मामलों को सुनना चाहिए। ये तो मेरी राय थी, आप इस पर क्या सोचते हैं? भले वो चाहे संभल की जामा मस्जिद हो, मथुरा की शाही ईदगाह विवाद हो, वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर हो, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद हो, मालदा की मदीना मस्जिद हो, या इन जैसे और भी कई सारे विवाद, आपको क्या लगता है, क्या इन सब जगहों के लिए हिंदू कम्युनिटी को संघर्ष करना चाहिए? और संघर्ष करने का मतलब ही नहीं बनता, न्याय होना चाहिए, संघर्ष क्यों करें? आपकी राय है, जो भी आपके ओपिनियन है, कमेंट जरूर करिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त से शेयर करिएगा। भाई हिंदू ही क्यों स्ट्रगल करे अन्याय लेने के लिए? जहां जाते हैं वहां न्याय के लिए कोर्ट में जाते हैं, सब लीगल प्रोसेस करते हैं, उसके बावजूद और डिले पे डिले पे डिले, वही होता है ना, तारीख पे तारीख पे तारीख मिलती है। क्यों? क्योंकि जो ऑपोजिट साइड वाले हैं वो करते हैं वायलेंस। अब बताओ कि पहले इन्होंने ये इतने लोग जो वहाँ के रहने वाले भी नहीं थे वो कैसे इकट्ठे हो गए? दूसरा, उनके पास पत्थर और वो सब चीज़ें, लाठी वाठी, ये कहाँ से आ गई? लेके ही आए थे ना, तो दे केम विद अ मोटिव, उनका मोटिव था right. ये तो प्रूव हो रहा है। तो फिर पुलिस के ऊपर क्यों बोला जा रहा है अगर उस उनमें से कोई कोई मरे हैं, जब वो इलीगल काम कर रहे हैं, वो अटैक कर रहे हैं, तो सेल्फ डिफेंस में अगर पुलिस या कोई वापस अटैक कर रहा है, जवाब दे रहा है, उसमें उन इन लोगों की जान जाती है, तो कौन सा गलत काम किया? मैं तो ये बोलूंगी, ये कौन सा विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, और क्यों भाई पुलिस के लोगों के ऊपर भैया इन्वेस्टिगेशन होगी? पॉइंट ये है कि लॉ एंड ऑर्डर आप ब्रेक नहीं कर सकते, पहली बात यह है। अगर किसी ने भी पत्थर मारे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक कर दिया, फिर उसका जो उनको भी जी, उनके लिए भी प्रोसेस दिए हुए ताकि वो और करते जाएं और करते जाएं, हम बस वार्निंग देते रहे। लॉ को ब्रेक किया, उसके लिए गवर्नमेंट आई, उसने पुलिस ने अपना ऑर्डर लगाया, और जिसको जो होता है वो होता है, क्योंकि आपने लॉ ब्रेक किया था। तो पॉइंट ये है, उसके बाद ये क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई प्रूफ कर दे कि ये मॉन्यूमेंट जो है किसी ने तोड़ा था और तोड़ के उसको कन्वर्ट किया गया था, अगर ये प्रूफ कर दे तो इट शुड गो बैक टू द ओरिजिनल। वो उसमें कोई प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट वैक्ट कुछ नहीं होना चाहिए, इसको हटाना चाहिए। अगर कोई भी इंसान कोर्ट में जाइए, प्रूफ करिए, अगर हमने प्रूफ कर देते हैं विद प्रूफ कि यस ये पहले टेम्पल था, देन इट इज योर्स। कांग्रेस कौन होती है ऐसे एक्ट लाने वाली, है कौन वो? हाँ, ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। अगर आप प्रूफ कर सकते हैं तो फेयरनेस के लिए यही होगा, जिसने प्रूफ कर दिया उसका। ये सब देख के तो कई बार ही लगता है कि भैया जल्दी हिंदू राष्ट्र बनाओ, देश को बचाओ, हिंदुओं को बचाओ, इंसाफ दो। हिंदू क्या बस लड़ अपने इंसाफ के लिए जो है लीगल प्रोसेस के अंदर ही बंधा रह के उसको बंद करके पकड़ के रख लो ताकि उनको सालों 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 तक न्याय ना मिले? उस पर से तुम प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वो वक्फ बोर्ड और पता नहीं क्या क्या साथ में लेके आ गए, ये इंडिया है कि ये पाकिस्तान है? मुझे तो समझ ही नहीं आती है। इसमें ये बात नहीं, मैं तो कहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर अप्लाई करिए और लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अभी जो कंट्री सेक्युलर है, सबके पास राइट्स हैं, सब लॉ एंड ऑर्डर होगा और स्ट्रिक्ट प्रूव कर सकता है, सबको शांति से। जो लॉ ऑर्डर तोड़े उसके लिए स्ट्रिक्ट लॉ होने चाहिए, इतना नहीं कि उनके उनको पहले वार्निंग दे रहे हैं, फिर आंसू गैस फेंक रहे, फिर फलाना करें, अरे पत्थर फेंक रहे, डिफेंस के लिए जो करना पड़े उसी टाइम करो। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर तोड़ते हो तो यही, उनको पता चलना चाहिए कि हमारी जान जा सकती है अगर हमने पत्थर मारा या किसी के ऊपर अटैक किया, और उसके बाद विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा। सिंपल, इसमें लड़ाई झगड़े वाली कोई बात वही नहीं है। तुम लेगा, हाँ, जब कोर्ट में केस हो रहा है, डरे हैं ना, डरे हैं, उन्हें पता है कि गलत हैं, जहां गलत है तोड़ा था तो वहां तोड़ा, बाबर ने तोड़ा था, तुमको शर्म आनी चाहिए। यू नीड टू बी अशेम्ड कि देखो हिस्ट्री में एक ऐसा आदमी आया था जिसने इतने कुकर्म किए हैं,
शर्म आनी चाहिए, उसकी जगह तुम उसकी वो प्रूफ तुम जो है टेंपल्स के वो डिस्ट्रॉय कर रहे हो और छुपाने की कोशिश कर रहे हो। इंडिया में ओरिजिनली रहते थे उन्होंने इवेंचुअली बाबर और उसके जितने भी बच्चे उनको हरा दिया, काम खत्म हो गया, काम हुआ। अब तुम अब जो है बाबर को और बाबर के बच्चों को जब आपने हरा दिया तो आप जो डैमेज उसने किया उसको रिवर्स करेंगे करेंगे। और एक एक टेम्पल चाहे वो पुराना था नया था जो भी तोड़ा है वो सारा होगा, प्लेस ऑफ वर्शिप एट हटेगा अब। और जो विष्णु जैन है उनके साथ पूरी हिंदुस्तान को उनका साथ देना चाहिए, हर एक हिंदू को उनका साथ देना चाहिए। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।